हेलो वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एटम्स चैप्टर 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो सीरीज और लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 12.6। आप ध्यान से सुनिए, कोई भी डाउट्स है वीडियो को आप रिप्ले कर सकते हैं। इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, I will surely explain it to you. Let us begin with question number 12.6. क्या बोल रहा है? Hydrogen atom initially in ground level. शुरू-शुरू में ground level में है. तो ground state में हमें मालूम है N1 होता है. Ground level मतलब क्या है? First energy level. N की value कितनी होगी? 1. कह रहा है absorbs a photon. इस पे एक photon fall होता है. Absorbs a photon which excites it to N is equal to 4. मतलब 4 पे पहुंच जाता है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, 1 से 4 पे चला जाता है। कह रहे डिटरमिन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन, फोटॉन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशंस, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। 1 से 4 में जाता है मतलब क्या हुआ, एन इज इक्वल टू 1 पे था इनिशियली, फाइनली कहां पहुंच गया, एन इज इक्वल टू 4 पे। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है n is equal to 1 से, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली कहीं बाहर से और उसके कारण ये 4 पे चला गया। तो ये जो एनर्जी आई इसकी वेवलेंथ और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड्स हैं, बट आई विल प्रेफर रेडबर्ग्स फार्मूला और हम रेडबर्ग्स फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। अगर हम रेडबर्ग्स फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग रेडबर्ग्स फॉर्मूला, यू नो 1 बाय लैम्डा इज व्हाट, आरएच 1 बाय फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 बाय इनिशियल का स्क्वायर। ये रेडबर्ग्स फॉर्मूला जब इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल में आता है, ध्यान देना हाई लेवल से लो लेवल में आता है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। लेकिन यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन इस बार लो से हाई में जा रहा है। कहां जा रहा है? लो से हाई में जा रहा है। ध्यान रखिएगा, लो से हाई में जा रहा है तो हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि वेवलेंथ आपकी नेगेटिव नहीं होगी। तो यू कैन डू व्हाट, यू कैन से 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आरएच 1 अपॉन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फाइनल का स्क्वायर। क्लियर? ये कब था? जब हाई से लो में आता है। अगर लो से हाई में जाता है तो इनिशियल और फाइनल को इंटरचेंज कर दिया। अब आप यहां पर वैल्यूज डालिए, आपके पास 1 बाय लैम्डा इज आर एच, इनिशियल इज 1 एंड फाइनल इज 4। सॉल्व करिए, दिस बिकम्स 15 बाय 16 आर एच 1 बाय लैम्डा। आपको चाहिए लैम्डा, जस्ट रेसिप्रोकल करिए, लैम्डा कितना जाएगा, 16 बाय 15 आरएच। तो लैम्डा बिकम 16 बाय 15 एंड 1 बाय आरएच इज 917 आर्मस्ट्रांग। 1 बाय आरएच की वैल्यू कितनी होती है, 917 आर्मस्ट्रांग। तो आप यहां पर 1 बाय आरएच की वैल्यू डाल दीजिए 917 आर्मस्ट्रांग और इसको 16 बाय 15 से मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करके देखिए, यू मस्ट गेट 978.13 आर्मस्ट्रांग। When you solve it, you will get 978.13 angstrom. Is that okay to all of you? ये आपकी आ गई wavelength of the photon emitted. This is what? Wavelength of photon. यहाँ पे absorbed हुआ है ना? Photon absorbed. Absorbed हुआ है तभी low से high में गया है. This is the wavelength of the photon absorbed. And the second thing is, वो frequency भी जानना चाहता है. तो फ्रीक्वेंसी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। अब सी आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 टू 10 की पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू अभी हमने निकाली 978.13 आर्मस्ट्रांग इज 10 की पावर माइनस 10। दिस कैन बी रिटन एज 3 अपॉन 978.13 10 की पावर 18। आप इसको 10 की पावर 15 कर दीजिए, 30 यहां से यूज करो, 3000 अपॉन 978.13।
ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट फ्रीक्वेंसी एज 3.06 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। क्लियर, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ध्यान से देखिए, फ्रीक्वेंसी सिंपली सी बाई लैम्डा, सी आपको पता है, लैम्डा आपने पुट किया, डेसिमल एडजस्ट करके सॉल्व किया एंड यू गेट दिस एज द फ्रीक्वेंसी एंड दैट वाज द वेवलेंथ। तो दोनों रिजल्ट आपके सामने हैं। मैं एक बार स्क्रीज कर देता हूं, आप ध्यान से देखिए इसको, आप इसको नोट कर सकते हैं। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 12.6। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू, सबको समझ में आ रहा है। In case you feel like asking something, just write in the comment box. I'll surely reply to it. इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12.7। कहते हैं यूजिंग बोर्स मॉडल कैलकुलेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम इन 1, 2, and 3 लेवल्स। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट कैलकुलेट ऑर्बिटल टाइम पीरियड इन दीज एनर्जी लेवल्स। तो लेट अस मूव, ये हमारा क्वेश्चन है आपके सामने 12.7। आप ये याद करिए, पहले जो आपको स्पीड की डेरिवेशन कराई थी मैंने, इलेक्ट्रॉन की स्पीड हाइड्रोजन एटम में उसके ऑर्बिट में, तो फॉर्मूला था वेलोसिटी इज सी बाय 137 और n इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1। यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो वेलोसिटी आती थी दैट वाज 3 by c by 137 और सॉल्व करने पर इट इज 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और साथ में हमने देखा था किसी भी एनर्जी लेवल पे वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है z by n। अब हाइड्रोजन के लिए तो Z1 है, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है Z/n। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें याद है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए Z कितना होता है 1, तो अब जरा देखिए वेलोसिटी इन एनी एनर्जी लेवल शुड बी ये जो V1 है पहले एनर्जी लेवल का इंटू Z/n। तो Z क्योंकि 1 है तो वेलोसिटी शुड बी व्हाट V1/n। तो आप बताइए जब हम फर्स्ट एनर्जी लेवल में देख रहे हैं तो वो तो V1 ही आ गया, सेकेंड एनर्जी लेवल में देखेंगे तो क्या आएगा V1/2, n की वैल्यू 2 आ गई, और जब थर्ड एनर्जी लेवल में देखेंगे तो कितना आ जाएगा V1/3। क्लियर, दिस इज फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल, देन फॉर सेकेंड एनर्जी लेवल एंड देन फॉर थर्ड एनर्जी लेवल। अब आप V1 की वैल्यू पुट करिए, आपके सामने है ये वैल्यू 2.2 × 10⁶। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1.1 × 10⁶, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 0.7, क्लियर। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल और थर्ड एनर्जी लेवल में आपने वैल्यू निकाल ली। अगर आप पूरा लंबा फॉर्मूला याद रखेंगे तो इट इज गोइंग टू कंज्यूम ए लॉट ऑफ टाइम। आप सीधे सीधे याद रखिए फर्स्ट एनर्जी लेवल पे हाइड्रोजन एटम के लिए वैल्यू कितनी होती है। जब वो वैल्यू आपको मालूम है तो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर देखिए Z/n। हाइड्रोजन का Z1 है, n1, n2, n3 रखते जाइए, अलग अलग ऑर्बिटल्स में आपकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की आती जाएगी। आई थिंक इट्स ओके, क्लियर है सबको, ध्यान से देखिए 12.7, नोट इट डाउन फास्ट। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज 12.8। क्या बोल रहे हैं, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज 5.3 × 10⁻¹ मीटर, फाइंड फॉर 2 and 3, फाइंड फॉर 2 and 3। तो अच्छा 12.8 से पहले इसमें टाइम पीरियड भी बाकी है, तो पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। सेकेंड पार्ट भी था इसका टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड था T0, यानी T0 क्या है n1 z1, यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू n³/z² ये वैल्यू थी आपकी।
अब आप देखो तो t फर्स्ट में क्या आएगा, t नॉट, सेकंड में क्या आएगा, n क्यूब यानी 1 का क्यूब t नॉट, z तो 1 है, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, z 1 है, थर्ड में क्या आएगा बताइए, 2 का क्यूब इंटू टी नॉट, तो दैट इज वॉट, t नॉट की वैल्यू अगर आपको याद हो n1 z1 में दैट वॉज 1.5 10 की पावर माइनस 16 सेकेंड्स। तो फर्स्ट में तो आपके पास आ गया कितना 1.5 10 की पावर माइनस 16 सेकेंड्स, सेकेंड में 2 का क्यूब है तो दैट इज 8 टी नॉट, एंड थर्ड में 3 का क्यूब है तो दैट इज 27 टी नॉट, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू एंड दिस इज वॉट 27 मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू, तो यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट फॉर सेकेंड पार्ट एज। ध्यान से देखिए यहां, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी आप लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 12.7 का ए पार्ट, एंड नाउ लेट अस फोकस ऑन टू बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12.7, बी पार्ट ऑफ 12.7। उसमें आपसे बोल रहा है कि टाइम पीरियड निकालना है तीनों एनर्जी लेवल्स पे, तो 12.6 का बी पार्ट, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है टी नॉट एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, जो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर होता है वो एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर होता है, और टी नॉट की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको 1.5 10 की पावर माइनस 16 सेकेंड्स, ये किसके लिए, फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब अगर एनर्जी लेवल पहला है और हाइड्रोजन एटम है तो आपके पास 1.5 इनटू 10 की पावर माइनस 16 सेकेंड्स ये वैल्यू आती है, तो जब ये फर्स्ट लेवल की बात करेगा तो दैट इज टी नॉट, सेकेंड की बात करेगा तो क्या आएगा, एन की वैल्यू आ गई 2, तो 2 का क्यूब इनटू टी नॉट, जेड तो 1 है तो जेड 1 है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, थर्ड पे बोलेगा तो बताओ क्या आना चाहिए, 3 का क्यूब टी नॉट, अब टी नॉट कितना था, टी नॉट की वैल्यू डाल देते हैं यहां पर 1.5 10 की पावर माइनस 16 सेकंड्स, यहां पर क्या आना चाहिए 8 इंटू 1.5 10 की पावर माइनस 16 सेकंड्स, यहां पर कितना आना चाहिए 27 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 16 सेकंड्स। आई थिंक द आंसर इज क्लियर टू यू, सिर्फ ये रखना है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल पे वैल्यू है 1.5 10 की पावर माइनस 16 सेकंड्स फॉर हाइड्रोजन एटम, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में उसका टाइम पीरियड, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, जेड वन है एन क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो फर्स्ट पे 1 का क्यूब है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, आंसर टी नॉट ही आ जाएगा, सेकेंड में 2 का क्यूब है, थर्ड में 3 का क्यूब है, एंड सो ऑन, कोई भी एनर्जी लेवल हो आप एन का क्यूब लगाते जाइए टी नॉट के साथ, टाइम पीरियड हर एक लेवल में आप निकाल पाएंगे। इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू, आई थिंक इट्स क्लीन, देख लीजिए ध्यान से, सबको समझ में आना चाहिए। एंड लास्टली जो हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन है 12.8, इस पे हम फोकस करते हैं। देखिए 12.8 क्या बोल रहा है, कह रहा है द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का रेडियस है आर नॉट 5.3 10 की पावर माइनस 11 मीटर, इनर मोस्ट मतलब एन वन, और हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो जेड भी एन वन जेड वन पे रेडियस आपका इतना है। अब किसी भी एनर्जी लेवल पे रेडियस का फॉर्मूला याद करो, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, ये फॉर्मूला था, क्या था, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, अब जेड है हाइड्रोजन तो आर एन एफ लेवल क्या हो गया एन स्क्वायर आर नॉट, आर नॉट की वैल्यू इसने दे रखी है क्वेश्चन में। अब आपसे कहां कहां पूछा हुआ है, 2 और 3 पे, तो एन 2 चाहिए रेडियस ऑफ सेकेंड और साथ में रेडियस ऑफ थर्ड, तो ये 2 का स्क्वायर आर नॉट दैट इज 4 आर नॉट, और यहां पर क्या आना चाहिए 3 का स्क्वायर आर नॉट एंड दैट इज 9 आर नॉट, आप R नॉट की वैल्यू रख दो 4, R नॉट कितना है 5.3 10 की पावर माइनस 11 आंसर, माइनस 11 लगा होगा 9 इंटू 5.3 10 की पावर माइनस 11 मीटर, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बस ये ध्यान देना है एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और जो R नॉट है वो इसने दे रखा है 5.3 10 की पावर माइनस 11 मीटर, बाय चांस ना भी देता तो आपको याद करवाया हुआ है दैट इज 0.53 आर्मस्ट्रांग,
याद करवाया था ना, 0.53 आर्मस्ट्रांग और n स्क्वायर बाय z। अब हाइड्रोजन है तो z1, हीलियम है तो z2, लिथियम है तो z3। आर यू गेटिंग इट? तो z की वैल्यू अकॉर्डिंगली पुट करिए, एनर्जी लेवल n की वैल्यू अकॉर्डिंगली पुट करिए, यू कैन फाइंड आउट द रेडियस इन एनी वन ऑफ द एनर्जी लेवल्स। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ध्यान से देखिए, फोकस करिए, एंड इन केस यू फील लाइक आस्किंग समथिंग जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।